कोलकाता में महिला रेजिडेंट डॉक्टर की निर्मम हत्या के बाद पूरे देश में डॉक्टर द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। इसी क्रम में कोटा में भी डॉक्टर द्वारा ओपीडी सेवाओं का बहिष्कार किया हुआ है। हालांकि अभी भी डॉक्टर द्वारा पूर्ण रूप से हड़ताल वापस नहीं ली है। ऐसे में सीनियर डॉक्टर व रेजिडेंट डॉक्टर द्वारा इमरजेंसी सेवाओं में मरीजों को इलाज दिया जा रहा है। अधीक्षक डॉक्टर धर्मराज मीणा ने बताया कि डॉक्टर ने पूर्ण रूप से हड़ताल वापस नहीं ली है। आउटडोर में कुछ रेजिडेंट डॉक्टर को सीनियर डॉक्टर को लगाया गया है। पूरे अस्पताल में व्यवस्थाएं का माहौल है। वहीं मरीजों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही अस्पताल में नियमित निरीक्षण करके व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है। अस्पताल कंप्लीट टूटी नहीं है। हमारी इमरजेंसी सेवाएं हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स आए हैं और इमरजेंसी सेवाएं देंगे और दे भी रहे हैं। और हमारे MBS की सारी व्यवस्था भी सुचारू रूप से चल रही है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। OPD से लेकर इंडोर तक सब व्यवस्था। नए भवन में मरीजों की भीड़ देखी जा रही है? नहीं नहीं, नए भवन सभी में आया हूँ। कोई भीड़ नहीं, वहाँ लाइन है, दो लाइन है, बराबर हमारे काउंटर चल रहे हैं। डॉक्टर्स भी हैं, हम भी वहीं से आ रहे हैं, देख के आए। तो अभी हड़ताल टूटी नहीं है? नहीं, अभी हमारे पास इस तरह का कोई वो नहीं है कंप्लीट स्ट्राइक का, तो लेकिन हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स इमरजेंसी सेवाएं दे रहे हैं।